इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके में और ये मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खेले जाने वाले क्वालिफाइंग राउंड की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम फुटबॉलर हैं, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं अज़ीज़, जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और कई टूर्नामेंट में जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाई है। और ख़ास तौर पे अगर कहा जाए कि साफ चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ गोल करने वाले भी अज़ीज़ ही थे। अज़ीज़ सऊदी अरब वही टीम है जिसने अर्जेंटीना यानी कि चैंपियन टीम को हराया हुआ है, कितना बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान टीम को इनके सऊदी अरब के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वेलकम बैक। आप हमेशा लियारी आते हैं तो हमें मज़ा आता है, काफ़ी एक्साइटेड है। ऐसा समझता हूँ कि हमारी टीम को ऐसे मैच चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए। फुटबॉल अभी ऑन हुआ है, इतने टाइम से फुटबॉल बंद था, और हमारी नेशनल टीम को ऐसे ही मैच चाहिए, पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरब, पाकिस्तान वर्सेस उर्दन और इसके उज़्बेकिस्तान। तो पहली बात तो ये है कि तमाम व्यूवर्स जो पाकिस्तानी फुटबॉलर हो और ये चीज़ तय कर लें कि ये मैच हमारे सीखने के लिए है। 8 साल 10 साल काफ़ी टाइम हमारा फुटबॉल बंद रहा, तो इस व्याप पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट हुआ तो सऊदी अरब एक ईजी टीम नहीं है हमारे लिए। रैंकिंग के हिसाब से अब जब टॉप टीम के खिलाफ खेलते हैं, पहली बात तो ये है कि आप जब टॉप टीम के खिलाफ खेलते हैं आप वैसे ही बूस्ट होते हैं, और आप अगर उनको विन करते हैं, अगर उनके रैंकिंग है, आपका ये मोरल कि आप उसके स्टेटस में बराबर आएंगे। अगर आप उससे हार जाएंगे, अगर ऐसा हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए, आगे के प्लान क्या हैं। तो बिल्कुल हमें पाकिस्तानी हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है कि हमें ऐसे मैचेस मिले हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारी टीम को आगे जाने के लिए ऐसे मैचेस मिले हैं हमें। अच्छा अज़ीज़, ये बताओ कि पाकिस्तान टीम जो तश्कील दी गई है उसमें फॉरेन प्लेयर्स भी शामिल हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी शामिल हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स का उसमें जो है तादाद बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इसमें कोई मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, जब कोच टीम हैंडल करता है ना, तो पहले सबसे बात आपकी लीग देखता है, और हमारे पास अभी तक लीग कोई भी ऑन नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक सिलेक्शन का मैार है, ये चॉइस ऑफ प्लेयर होता है। कोई भी कोच आता है, खिलाड़ी कोई भी बुरा नहीं होता, सही है, चॉइस ऑफ प्लेयर होता है, उसका नीड क्या है। अब जैसे बाहर के जो लड़के आ रहे हैं ऑलरेडी लीग में बिजी हैं, और हमारे लड़के अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से 9 साल से लीग नहीं खेल रहे हैं, डिपार्टमेंट बंद है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरिट पर काम हो पाकिस्तान पे। हम आपको पता है, याद है 2004 में और 2006 में हमने श्रीलंका को बीट किया, और सारे पाकिस्तानी थे। जो बाहर के लड़के खेल रहे हैं वो भी ऐसे पाकिस्तानी हैं। मैं ये कहता हूँ सिर्फ मेरिट पे काम हो, ट्रायल बेसिस हो, सबके लिए रूल सेम होना चाहिए। एक चीज़, एक इंग्लैंड का लड़का सिर्फ 1 वीक पहले आके टीम ज्वाइन करता है, एक पाकिस्तानी लड़के 4 महीने कैंप में गुजारने के बाद आप उसको बोलते हैं आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, सबके लिए सेम रूल रेगुलेशन होना चाहिए। कैंप लगेगा, जो इंग्लैंड से आएंगे, डेनमार्क से आएंगे, लियारी से आएंगे, केपीके से आएंगे, सबके लिए सेम रूल है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, उनके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, वो भी हमें हेल्प करने के लिए आए हैं। तो मैं सब बिलीव करता हूँ, थिंक पॉजिटिव। तो मैं ये समझता हूँ सारे ग्रीन पासपोर्ट के हैं, बस मेरिट पर काम होना चाहिए। जो लड़का टैलेंटेड है उसको टीम में जगह देनी चाहिए, जिसका नीड नहीं है प्लीज़ उनको बोलो ऐड करो, क्योंकि हम एक कंट्री के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। जब पाकिस्तान टीम हारती तो हमें दर्द होता है। तो हम सारे पाकिस्तानी एज ए कोच को ये कह रहा हूँ कि मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ हमारा लीग नहीं है, आप इस टूर के बाद प्लीज़ ट्राई अनाउंस कर दें सब पूरे पाकिस्तान के लिए।